हूँ नीलम तिवारी, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। MMRDA के तरफ से जो मेट्रो का काम चालू है, उस मेट्रो के काम के ऊपर बहुत सारी खामियां हैं। MMRDA द्वारा चल रहे मेट्रो के काम का दौरा नगर सेवक नीलेश चौधरी ने किया और काम में हो रही लापरवाही को लेकर दी MMRDA को चेतावनी। विगत कुछ महीनों पहले अंजुर फाटा से धामनकर नाका तक MMRDA इस कंपनी द्वारा ही RCC रोड बनाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार शासन द्वारा रोड के किनारों को भरने के लिए 12 करोड़ की निधि पास हुई थी, पर ठेकेदार कंपनी के किनारे भरने का कार्य नहीं किया। इस वक्त मेट्रो काम शुरू होने के कारण रोड का आधा हिस्सा बंद हो चुका है, जिस वजह से धामनकर नाका से अंजुर फाटा रोड तक भारी ट्रैफिक जमा होती है, जिससे लोगों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और किनारे ना भरे होने के कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी होती है। लोगों की इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए नगर सेवक नीलेश चौधरी ने मेट्रो साइड का दौरा किया और क्या कुछ कहा, देखिए शिवम झा की इस विशेष खबर में। आज MMRDA के तरफ से जो मेट्रो का काम चालू है, उस मेट्रो के काम के ऊपर बहुत सारी खामियां हैं। बाजू में उनको साइड पट्टी भरने के लिए 12 करोड़ रुपए दिया है, ये छोड़ के उसके बावजूद वो जो कॉन्ट्रेक्टर है वो न काम कर रहा है, न ठेकेदार कर रहा है, न कोई कर रहा है। उसके बाद में ये लोग जो ट्रैफिक का मुद्दा है, आप देखेंगे अंजुर फाटा से लेकर धामनकर नाके तक पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक जाम रहता है। इनका कोई नियोजन नहीं, कोई आदमी नहीं है। उसके बाद में जो साइड पट्टी है, उधर बहुत सारे खड्डे पड़े हुए, वो सारे लोगों का एक्सीडेंट हुआ, इसके लिए जिम्मेदार इधर के जो ठेकेदार है वो जिम्मेदार है यहाँ पे। उसके बाद में हमने ऐसी मालूमत ली है क्या, इन्होंने एक इनका गर्डर था पूर्णा के अंदर, वो गिर गया। मतलब जान ले की कोई सुरक्षा इनके पास बची नहीं हुई है और भिवंडी की जनता को मरने के लिए लोग प्रवृत्त कर रहे हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। इनके लिए पूरा जिम्मेदार जो है वो यहाँ का मेट्रो प्रशासन है और जो MMRDA के अधिकारी, इनकी मिली जुली भगत से ये काम चालू है। और इसके ऊपर बहुत सारा हमारा तो कहना एक है कि मेट्रो आए लेकिन इधर भिवंडी की 10 जान लेके मत आए। ऐसे हम मांग करते हैं कि जो साइड पट्टी है, जो सिक्योरिटी के इंतजाम है, इन्होंने काम चालू किया और बाजू में कुछ किया नहीं, आज ट्रैफिक उसके वजह से जाम हो रही है, जो रास्ता एकदम छोटा कर दिया। क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए ये काम, इस मुद्दे को तो विधायक और या तो सांसद को उठाना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी छुट्टी है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अभी मैंने 2 दिन पहला हमारे जो मेयर है प्रतिभा पाटिल, उनसे भी मुलाकात की, उनको बोला MMRDA का काम एकदम खराब चल रहा है, एकदम खराब से खराब काम उनका चालू है। इसके ऊपर अपने को भिवंडी के ऊपर से अपने को जा रहे, आप देखेंगे यहाँ पे एक MMRDA का काम हुआ है, वो आज रास्ता पूरा धस गया, पूरा नीचे गया, ऐसा ही ये होने वाला है। और ये होने के बाद इसके लिए जिम्मेदार कौन, हमको यहाँ पे रहने का है, भिवंडी हमारी है, भिवंडी के शहर में हमारी बाल बच्चे पीढ़ी हमको रखने का, इधर इनको ये क्या काम करके निकल जाएंगे, लेकिन बाद में उसका भुगतान हमको करना पड़ेगा। और हमारे जो विधायक है महेश जी चौगुले, उन्होंने भी कहा है कि ये तुमने सब काम करके फिर काम चालू करना मांगता था, आज वो काम न करते हुए इन्होंने जो काम किया है, आज हमने उनको इंटीमेशन दिया है, अगर इन्होंने गुरुवार या सोमवार तक हमारा काम पूरा नहीं किया तो हम जो ऑफिशियली जो हमको मंजूरी लेके परवानगी लेके हम लोग उसका काम बंद करेंगे, इतना मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। इसी तरह हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।